आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। कहते हैं मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें क्योंकि जब खराब मूड को बदलने के बहुत से मौके आएंगे आप शब्द नहीं बदल सकते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज 1 नवंबर 2017 चंद्र मीन राशि में अहोरात्र नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा सुबह 7:40 तक प्रदोष है आज मासिक प्रदोष जो एक दिन आता है जिसमें अपने बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। चातुर्मास समाप्ति हो गई आज और बुध वृश्चिक में देर रात को प्रवेश कर जाएंगे। तुलसी विवाह का आरंभ हो गया आज। बधाई हो आप सबको तुलसी विवाह आरंभ की। आज के मुहूर्त सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:07 तक है लाभ। सुबह 8:07 से लेकर सुबह 9:32 तक है अमृत। सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 12:22 तक है शुभ। और दोपहर 4:36 से लेकर शाम 6:01 तक है लाभ। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके लिए पूरी जिंदगी दौड़ है, समय की कमी है। मैं कामिनी खन्ना आपसे फिर भी विनम्र विनती करूंगी कि आप सपने देखिए और पूरी जिंदगी बिजी रहिए सपनों के लक्ष्य को पार करने के लिए। आप अपने कदम बढ़ाइए। आज चंद्रमा मीन राशि में और नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा सुबह 7:40 के बाद। आज जो राशि भविष्य में आपको बताने जा रही हूँ बुध वृश्चिक राशि में देर रात को प्रवेष कर जाएंगे उसके विषय में है। मेष राशि के लिए बुध वृश्चिक में प्रवेश करके आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानी देते हैं। स्किन से रिलेटेड या आपको थोड़ा बहुत जुकाम खांसी सर्दी या हल्का फुल्का बुखार इन सब से बचने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी है और आपको अपनी तबीयत का पूरी तरह ध्यान रखना है, डॉक्टरी सलाह लेती रहनी है। वृषभ राशि सन्मुख आकर बुध आपको बनाते हैं व्यवसायी और आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में व्यवसाय कूट कूट कर भरा है। हालांकि आपके पत्नी पार्टनर स्पाउस के साथ थोड़े संबंध थोड़े दिनों के लिए कटु ना हो इसकी आपको खबरदारी लेनी है। श्री गणेश की आराधना उत्तम रहेगी। मिथुन राशि के लिए अब बुध महाराज वृश्चिक में आकर आपके लग्न के स्वामी आपकी हेल्थ की अलार्म देते हैं आपको कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो। और वैसे तो छठे स्थान पर बुध होते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्वग्रही उच्च के, तो इतनी भी चिंता न कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, आपके काम विदेश से रिलेटेड बन जाएंगे। कर्क राशि के लिए अब बुध वृश्चिक में प्रवेश कर आपके माइंड को करते हैं परेशान। आपकी यात्राओं में आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती है या खर्चे को लेकर आप ज्यादा सोचते हैं, विचार न करें, अपने बच्चों के साथ भी बना के रखें। सिंह राशि के लिए अब बुध जब आपके चतुर्थ में प्रवेश करते हैं तो आपको परेशानी होती है अपनी माता की तबीयत की, पैसों की, और परिवार को भी पैसों की चिंता होती है। ये स्थिति थोड़े दिनों की है, आप भी श्री गणेश की आराधना करें। कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल पहले ही सता रहा था, अब मंगल के घर में बुध एंटर कर जाएंगे जिसकी वजह से यात्रा में आपको थोड़े से कष्ट हो सकता है, लेकिन ये परस्पर योग है। मंगल बुध के घर में, बुध मंगल के घर में, तो कट जाएगा जो कुछ भी होगा वो, और छोटे भाई बहनों से बना के रखिए। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है पलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। अब ये आदर्श क्या होता है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और आपने किसको सामने रखा है, आंख के सामने किसको आदर्श बनाया है,
तो जिस व्यक्ति को आपने आदर्श बनाया है उसके जैसे बन के दिखाइए। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आपका ये दिन अत्यंत शुभ हो ऐसी मेरी मनोकामना। तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य कुछ इस अंदाज में कि बुध देर रात प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक में। तुला राशि के लिए बुध आपके द्वितीय में आकर आपकी वाणी को मधुर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रयत्न इतना सफल नहीं रहेगा। हो सकता है आपके परिवार में फिर भी लोगों को कुछ शिकायत रहे, लेकिन ये परस्पर ग्रहों का आपसी तालमेल है, इस वजह से थोड़ा सा सामंजस्य बना रहेगा। पैसों को संभाल के रखिए, अगर कुछ कमाए हैं तो उनको छुपा के दबा के रखिए। वृश्चिक राशि। लग्न में बुध बैठकर आपको आपकी हेल्थ की भी चिंता देते हैं और थोड़ी सी पैसों के विषय में। इन दिनों आपको वैसे भी मंगल के होने से लाभ में पैसों की चिंता है, तो जो पैसा आता है वो वृद्धि हो रही है, पैसा आ रहा है शनि की वजह से, उसको संभाल के रखिए, अपने वाणी पर कंट्रोल रखिए। धनु राशि। अब प्रवेश कर गए बुध आपके द्वादश में, थोड़ी सी बेचैनी है पत्नी पार्टनर के रिलेशन को लेकर और अपने कार्यों को लेकर, तो जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है उनको चोख रखिए, व्यवसाय से रिलेटेड व्यवहार परफेक्ट रखिए। मकर राशि के लिए लाभ में जो बुध प्रवेश कर गए उसकी वजह से थोड़ा सा पैसा रुका, आपके कुछ कर्जे वर्जे हैं की वजह से आपको थोड़ी सी टेंशन है और उस कर्जे को अब बढ़ाना नहीं है, लेना नहीं है, और जो छिटपुट लाभ होता है आपको आपके भाग्य की वजह से उसको समेट के शांति से रहना है। कुंभ राशि के लिए अब बुध महाराज के दशम में प्रवेश करने की वजह से आपके सिर पे एक धुन सवार है कि अपने बच्चों को आपको सेटल करना है या खुद की पढ़ाई के लिए कुछ जद्दोजहद करनी है, तो अपनी तबीयत के लिए पहले करिए और बाद में किसी चीज के लिए और के लिए, और अपने पार्टनर्स के साथ अपने संबंध बना के रखिए अच्छे। मीन राशि के लिए आपके भाग्य में आकर बुध आपको थोड़ी सी भाग्य से रिलेटेड, अपने पत्नी पार्टनर के हेल्थ और स्वभाव से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी देता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको घरेलू परेशानियां भी है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, ऐसी स्थिति थोड़े दिनों के लिए रहेगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपकी ये स्थिति जो है बदल जाएगी और बेहतर दिन आएंगे। सफलता की खुशी मनाना अच्छा होता है, पर उससे भी अधिक क्या जरूरी होता है अपनी असफलता से सीख लेना और फिर दोबारा वो गलती ना करना। मैं कामिनी खन्ना सुबह सुबह एकदम आप जैसे सफल व्यक्तियों के साथ आनंद मनाने के लिए सहर कार्यक्रम में आ जाती हूँ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, ये दिन आपका शुभ हो, कई अच्छे कार्य हों आपके, ऐसी मैंने ईश्वर के पास प्रार्थना लगा दी है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एकदम निराला है और आपके इंटरेस्ट का है। जैसे जो वार हुआ उस दिन के मैं आपको उपाय बताऊंगी, उसके ग्रह का क्या क्या निवारण है वो बताऊंगी, और उस ग्रह के कहाँ कहाँ आधिपत्य स्वामी कहाँ कहाँ का होता है वो आपके जीवन में वो बताऊंगी। तो जैसे आज है बुधवार, तो बुध की सुनिए। बुध महाराज जो हैं पृथ्वी पर हरियाली और व्यवसाय और बुद्धि, आपकी बॉडी में नसें, आपके फेफड़े, आपकी सांस, आपके कई तरह के ऐसे जो चीज़ें जो वायु तत्व से जुड़ी हुई हैं उनके स्वामी होते हैं। अब बुध महाराज के लिए उपाय आज आप जानेंगे मुझसे एक उपाय, फिर अगले बुधवार दूसरा उपाय, इस तरह मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी हर ग्रह के। तो बुध महाराज के लिए सबसे पहला उपाय है कि लीफी वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 बार खा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनमें मिट्टी वगैरह होती है, तो इसकी वजह से पुरुष वर्ग को कभी कभी किडनी में स्टोन हो जाता है ज्यादा पालक खाने से, तो संभल के ना हो तो आप बुधवार के दिन इसे जरूर खाएं। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। और उस पालनहारे, उस ललना के और उस बांसुरी वाले के जो बड़ा नटखट है, जिसने बड़ा तंग किया था अपनी मैया को, गोपियों को और सारे संसार को छला था, उसकी आरती तो उतार लें, शायद वो हमारे लिए भी बंसुरी बजाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।